तो सेक्युलरिज्म से मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म से मतलब ये होता है कि आप एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, मतलब कि सरकार एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, और वो क्या करती है, वो जो है वो मतलब कि किसी भी धर्म के जो है वो मतलब के बारे में गलत नहीं बोलती और किसी भी एक धर्म का साथ नहीं देती, ठीक है। तो इसे सेक्युलर गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। किसी भी धर्म का साथ ना देना और किसी भी धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोलना। अब बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से मतलब क्या है? सबसे पहले तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। मतलब क्या है, अगर माइनॉरिटीज कोई है, माइनॉरिटीज कौन सी होती है, अभी बताया था, नींद में उठ के आ रहा है बस यहाँ पे प्रवचन सुनने, बाबा जी का प्रवचन चल रहा है, घंटा बजा के सुन लेंगे बस बैठे बैठे। माइनॉरिटीज जो कम संख्या में है, ठीक है, जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो जिनकी संख्या कम है उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 29, ठीक है। और कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एससी एसटी ओबीसी एक्ट बनाए हैं, ठीक है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए इनको, तो इसलिए प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मतलब की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब कई सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को कैटर करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस है, बस यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन कर दी गई है जिससे कि एससी एसटी ओबीसी के लोग भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके। अब बात करते हैं कि एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स की, मतलब कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं लेकिन सरकार मानती है कि इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाना चाहिए और ये राइट्स असल में बिलीव में करते हैं, मतलब कि ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक नया अधिकार बन गया है कि किसी को भी आपकी पर्सनल स्पेस में घुसने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे पर्सनल स्पेस से मतलब क्या होता है, पर्सनल स्पेस से मतलब है कि कोई बंदा आपका आपके अंदर घुस घुस के पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे घर में जो कितने मेंबर हैं, घर कैसे चलाते हो, ठीक है, तुम्हारे कितने भाई बहन, मतलब अब ये डिपेंड करता है, आप कौन नहीं लोग तो पूछ लेते हैं ऐसे, अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, पर अगर आप ये सब नहीं बताना चाहते तो आप मना कर सकते हो, बिकॉज इट इज योर राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आपको प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है, कि आप अपना पूरा अधिकार रख सकते हो कि हाँ मैं अपनी प्राइवेट बातें आपको नहीं बताऊंगा। दूसरा, राइट टू अ हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट। अब क्या है कि मान लो आप किसी जगह पर काम करने गए, वहां पे काम करने गए हो, आपका डेस्क है वहां पे, पहली बात तो चेयर नहीं है, आपको बोलता है लैपटॉप जमीन पे लगा, नीचे बैठ के करने लगा, ठीक है। दूसरा आपसे बोलता है यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है पीछे, ठीक है, वहीं पे खा रहे हैं ऐसे फेंक के, कूड़ा पे फेंक रहे हैं। आप बाथरूम गए, वहां पे बाथरूम एक ही बाथरूम है लेडीज जेंट्स का, ठीक है, अब उसमें भी जेंट्स घुसे हुए हैं, तो ये क्या है, ये आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आपको एक हेल्दी क्लियर साफ वर्किंग एनवायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, आपको एक सही घर का अधिकार है। अब आप देखो, आप सोचो कि यार ये झुग्गी झोपड़ी जो बना के रहते हैं, सरकार इनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ क्यों नहीं देती, है ना, आखिर जमीन तो अनऑथोराइज ही है, उनका कोई घर से जमीन थोड़ी है, उनके पास कोई कागज थोड़ी है उसके, सरकार इनकी झुग्गी तोड़ क्यों नहीं देती, क्योंकि अधिकार है उनके पास में कि राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। अब आप खुद सोचो, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो घर खरीद सके, घर बना के रह सके, तो कहीं तो रहेंगे ना, अब कहीं ना कहीं तो उन्हें रहना पड़ेगा, है ना भाई, जिंदगी जीने तो कहीं रहना पड़ेगा, तो राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। नेक्स्ट इज राइट टू वर्क, काम का अधिकार है सभी को, ठीक है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि तुमको काम नहीं देंगे, ठीक है, काम का अधिकार है सभी को। और राइट टू हेल्थ, सभी को हेल्थ का अधिकार है। अब मान लो कि एक व्यक्ति है, वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल जा रहा है, तो कह रहा है क्या करेगा तू, इलाज करा के चल, कर जा, ठीक है, क्यों, राइट टू हेल्थ है, मतलब क्या है, सभी को हेल्दी जिंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है, सभी को अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है, ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो यू कैन आस्क।